पकौड़े तो आप बहुत तरह के बनाए होंगे लेकिन इस पालक के पकौड़े को खाइए एक बार बना के बहुत ही टेस्टी बना है इसे खाने के बाद आप समोसे और कचौड़ियाँ खाना भूल जाएंगे इसे बनाना बिल्कुल आसान है ये सिर्फ पालक से बना हुआ है इसे बनाने के लिए मैंने बाज़ार से कुछ भी नहीं लाई हूँ और सिंपल सा घर के सामान से मैं पकौड़े बना के रेडी की हूँ और बिल्कुल अच्छा बना है बहुत ही टेस्टी बना है इसमें प्याज लहसुन नहीं डाली हूँ आप बिना प्याज लहसुन का भी बना के खा सकते हैं चाहे तो इसमें प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं पालक के पत्ते में विटामिन और प्रोटीन बहुत सारे हैं ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं तो चलिए बनाते हैं मैंने पहले पालक को ले ली हूँ पालक के मोटे मोटे डंटल निकाल के उसके छोटे छोटे पतले पतले पत्ते को बारीकी धो के काट ली हूँ उसके बाद इसमें डाली हूँ एक चौथाई चम्मच नमक आप अपना स्वाद के अनुसार डाले नमक और एक चौथाई चम्मच जीरा पाउडर एक चौथाई चम्मच धनिया पाउडर और एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आप अपना स्वाद के अनुसार डालें मसाला मैंने इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाली हूँ उसके बाद डाली हूँ थोड़ा सा एक चौथाई चम्मच चाट मसाला और इसमें डाली हूँ कटी हुई टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च डाल देना है उसके बाद डालना है तीन चम्मच इसमें बेसन और एक चम्मच चावल का आटा चावल का आटा डालने से पकौड़ा थोड़ा कुरकुरे हो जाता है बहुत ही टेस्टी बनता है इसलिए मैंने एक चम्मच चावल का आटा डाली हूँ उसके बाद इसमें डाली हूँ एक चौथाई चम्मच आजवाइन क्रॉस करके और एक चौथाई चम्मच जीरा बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे तो चलिए इसे हम पहले मिला लेते हैं हाथ को साफ कर ले हाथ से ही मिलाएं बहुत ही अच्छा मिलता है इसमें पानी पहले नहीं डालें अच्छे से मिला लें मसाले को उसके बाद ना इसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर ले थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है इसमें एक बार नहीं डालें नहीं तो ख़राब हो जाएगा उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम जला ली हूँ उस पर चला चढ़ा दी हूँ फ्राई पैन फ्राई पैन में डाली हूँ सरसों ऑयल आप रिफाइन ऑयल में भी तल सकते हैं अब मैंने हाई फ्लेम में मैं रख ली हूँ गैस उस और ये तेल को अच्छी तरह से गर्म कर ली हूँ बिल्कुल गर्म हो जाना चाहिए तेल उसके बाद इसमें डालेंगे हम पकौड़ा पकौड़ा को इस तरह से डालना है आपको हाथ से लेते हुए इसमें डाल दें कढ़ाई में तो बिल्कुल पकौड़ा बनाना बिल्कुल आसान है बहुत ही टेस्टी बनता है बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये इसे डाल के इसके पकौड़ा डाल के उसके ऊपर से ऑयल डालते जाना है आपको कलछू से इस तरह से चम्मच ले लें बड़ा वाला उससे डालें तेल बिल्कुल फूला फूला सा पकौड़ा होगा अंदर से सॉफ्ट ऊपर से कुरकुरे और क्रंची तो चलिए इसे बनाते हैं इसको उलट पुलट करके तलना है पूरे ब्राउन और अच्छा सा कुरकुरे बनाना है इसको इस तरह से आपको पलट देना है एक दो मिनट के बाद पहले हाई फ्लेम में रखें तेल गर्म होने के बाद पकौड़ा डालने के बाद आप गैस को मीडियम फ्लेम में कर दें तो चलिए हम गैस को मीडियम फ्लेम में रखे हैं कभी कभी हम इसको हाई फ्लेम में भी कर देते हैं देखते हुए समय को तो चलिए इस तरह से तल लेते हैं फिर से उलट पलट करके तलते हैं और थोड़ा सा ब्राउन होते ही इसको निकाल लेना है बहुत ही टेस्टी बन जाता है और ज़्यादा कर देंगे तो फिर जल जाएगा आपका पकोड़ा प्याज पकोड़ा में थोड़ा सा लग जाता है तो कोई बात नहीं लेकिन पालक पकोड़ा में ज़्यादा नहीं लगना चाहिए तो देखिए कितना अच्छा पकोड़ा बन के तैयार हुआ है बहुत ही टेस्टी बना है कलर भी अच्छा आया है देखने में भी सुनहरा लग रहा है अच्छा लग रहा है बहुत ही टेस्टी बना है तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं अब दूसरे बैच बना लेंगे इसको निकालने के बाद दूसरे बैच भी बनाएंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे कितना अच्छा टेस्टी बना है पकौड़ा इस तरह से एक बार जरूर बनाए पकौड़ा अगर अच्छा लगे रेसिपी तो कमेंट कीजिएगा आप लोग का कमेंट का इंतजार करते हैं हम अगर कमेंट करते हैं तो हौसला मिलता है थोड़ा सा अच्छा बना है मेरा पकौड़ा या रेसिपी तो हम फिर से बना के देंगे अच्छा अच्छा रेसिपी तो देखिए फिर से मैंने दूसरा बैच डाल दी हूँ कढ़ाई में इस तरह से आपको दूसरा बैच भी डाल देना है और उसको उलट पुलट करते हुए जिससे पहले बैच बनाई हूँ इसी तरह से बना लेना है आपको तो इस तरह से उलट पुलट करते हुए हम बनाएंगे इसको बढ़िया से सुनहरा होने तक इसको भी तल लेना है बिल्कुल बढ़िया देखिए हरा हरा सा भी लग रहा है थोड़ा सा ब्राउन और अच्छा हो जाए क्रंजी तो तब उसके बाद निकालेंगे देखिए बढ़िया से पक गया है पकोड़ा तो मैंने मेडियम फ्लेम में पकाई हूँ अंदर तक सॉफ्ट और क्रंजी बना है बहुत ही टेस्टी बना है पकोड़ा इस तरह से आप बनाएं सावन स्पेशल पालक पकोड़ा तो चलिए इसको मैंने निकाल ली हूँ आप इसको किसी भी टाइम खा सकते हैं नाश्ते में चाय के साथ यानी कोई चटनी के साथ बच्चे को भी टिफिन बॉक्स में लंच बॉक्स में डाल सकते हैं बड़े और बच्चे सबको देखिए कितना टेस्टी बना है अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा एक लाइक तो ज़रूर बनता है मैंने बहुत मेहनत की हूँ तो चलिए उसके बाद चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेलाइकन को प्रेस कर दीजिएगा पालक साग विटामिन और खनिज आयरन से भरपूर है इसे एक बार इस पालक पकोड़े के बना के जरूर खाइएगा पौष्टिक से भरा हुआ पालक पकोड़ा है इसमें ना ही मैं प्याज डाली हूँ ना ही लहसुन बहुत ही अच्छा बना है बहुत ही टेस्टी देखिए तोड़ के मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छा बना है बहुत ही कुरकुरे तो आप चाहे कोई भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी बना है तो चलिए आप इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा खाइएगा कमेंट कीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा पकोड़ा बना के खाइए सावन स्पेशल पकोड़ा इंजॉय कीजिए बाय बाय